क्षेत्र में महासमुंद के खिलाड़ियों ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिले के 7 खिलाड़ियों ने राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज रायपुर में आयोजित होने वाले खेल अलंकरण समारोह में इन सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मानित करेंगे और खेल अलंकरण से सम्मानित कर नगद राशि प्रदान करेंगे। चयनित खिलाड़ियों ने वर्ष 2018 और 2019 में आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ को स्वर्ण और कांस्य पदक दिलाया था। और जिन खिलाड़ियों को खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा उनमें पूर्णिमा नेताम, शिवम बेलदार ये दोनों पोलो खिलाड़ी है, सोनिया बांदे और दिव्या सिन्हा हैंडबॉल, पूरन सिंह यूथ गेम्स, शैलेंद्र सिंह नायक और प्रियंका ठाकुर वुशु के खिलाड़ी है। इनका नाम चयनित किया गया है। जिले के खिलाड़ियों और कोच के सम्मान मिलने पर खुशी का माहौल है। यहाँ मेरा हैंडबॉल खेलती हूँ तो यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ पहले नेशनल लेवल के लिए, फिर भिलाई में कैंप लगता है, वहाँ एक महीना डेढ़ महीने का कैंप लगा सीनियर नेशनल के लिए। फिर हम लोग खेलने के लिए सोलापुर महाराष्ट्र गए, वहाँ पे हम लोग का 6 से 11 जनवरी तक का टूर्नामेंट था, वहाँ पे हम लोग का ब्रॉन्ज मेडल लगा। सीनियर नेशनल में जाने के लिए पहले ट्रायल देना पड़ता है, उसके बाद फिर कैंप लगा हमारे एक महीने का, फिर हम लोग गए थे सोलापुर महाराष्ट्र खेलने के लिए। वहाँ पे अच्छा था टूर्नामेंट सारा, टफ था और 6 से 12 टूर्नामेंट था हमारा, बहुत अच्छा था अनुभव। वहाँ पे सीखने को मिला, अच्छी टीम थी, रेलवे की टीम थी, हिमाचल की टीम थी, सबको देख के हम लोग को भी सीखने मिला। मैं फर्स्ट टाइम गई थी इस समय खेलने के लिए सीनियर नेशनल। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा खेल अलंकरण की जो सूची जारी की गई है उसमें महासमुंद जिले से 5 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें 3 जो महिला खिलाड़ी हैं वो हैंडबॉल के हैं, एक साइकिल पोलो के हैं और एक कुराज से हैं। ये जो नेशनल छत्तीसगढ़ राज्य का इन्होंने जिले की ओर से प्रतिनिधित्व किया है, वहाँ इन्होंने पदक प्राप्त किया था, तो ये जो सम्मान है जो पदक प्राप्त करते हैं उन्हीं का उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में इनका चयन किया गया है। भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में